हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों मेरा नाम है राघव, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने परसों के वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को हमारे कैंप का टूर करना है कि नहीं करना, उसका वीडियो चाहिए, तो आप लोगों में से काफ़ी बहुत सारे कमेंट आए थे कि एक बार हमें अपने कैंप का टूर जरूर करके दिखाइए। तो आज की वीडियो लेके आया हूँ सिर्फ अपने कैंप के लिए। तो अपने कैंप का एक टूर कराता हूँ भाई, कहाँ कहाँ पे भाई क्या क्या चीज़ें हैं और प्लांट कहाँ पे लगे हुए हैं, हमारे हॉट मिक्स प्लांट कहाँ पे लगे हुए हैं, कॉन्क्रीट प्लांट कहाँ पे लगे, स्टोर लैब वगैरह, और जो हमारे यहाँ पे जो वर्कर वगैरह जहाँ पर रहते हैं वो जगह भी मैं दिखाऊंगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे भाई इंजीनियरिंग ब्लॉक नहीं है, इंजीनियरिंग ब्लॉक यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो तो भाई मैक्सिमम लोग यहाँ तो भौरा में रहते हैं या शाहपुर में रहते हैं। बाकी जो ऑपरेटर ब्लॉक यहाँ पे है, सारे ऑपरेटर बहुत सारे लोग यहीं पर रहते हैं, तो वो भी दिखाऊंगा। तो भाई चैनल बने रही इस वीडियो में, चलो शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एंट्रेंस है। सामने से जो फोर लेन जो अपना हाईवे से जो रास्ता आता है, कच्चा ये रास्ता है हमारा कैंप की तरफ आने के लिए। और ये जो सामने आप एंट्रेंस देख रहे हैं ना, ये हमारे कैंप के अंदर घुसने का यहाँ पे एंट्रेंस है। और इसके राइट हैंड साइड में, जैसे ही कैंप के अंदर अपन घुसेंगे, उसके राइट हैंड साइड में ये जो जगह देख रहे हैं ना आप इतनी सारी, ये हमारा क्रशिंग ब्लॉक है भाई। यहाँ पर क्रशिंग की जाती है, जो एक्सकवेटर देख रहे हैं आप यहाँ पर, और ये यहाँ पर हमारा क्रशर भी लगा हुआ, जो मोबाइल क्रशर है ना वो यहीं पर लगा हुआ है। हमारे पास दो मोबाइल क्रशर है भाई, अपने रेडगन कंपनी के, ये क्लीमैन नाम से आते हैं ये। तो इस टाइप के हमारे पास दो हैं, एक आपका ये जो सेपरेट पोर्शन जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला पोर्शन है भाई जॉ और कॉन का। तो ये जॉ और कॉन का एक कॉम्बिनेशन है, इसमें भाई केवल हम लोग जीएसबी क्रश करते हैं यहाँ पे। तो जो सामने आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं जीएसबी के, यहाँ पे भाई जीएसबी हम लोग करते हैं। और बाकी एक जगह और भी हम क्रशिंग करते हैं, वहाँ पर हमारा एग्रीगेट का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके वो जगह थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्रशर के दोस्तों जो अपोजिट साइड है वहाँ पे भाई हमारा ये वे ब्रिज लगा हुआ है। ये सामने आप वे ब्रिज देख रहे हैं ना, ये लगा हुआ है। और जो दूसरे कैंप से जो हमारा वे ब्रिज, एक और जो हमारा पहले एक और कैंप था वहाँ से हमने खाली कर दिया, तो क्योंकि अभी काम हमारा एंड होने वाला है। तो बाकी का जो स्टोर टाइप का जो रहेगा वो आगे है। और यहाँ पर भाई हमारे मैकेनिकल गाड़ियाँ ही खड़ी रहती सारी, ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पर। और साइड में डीजल का पंप भी हमारा यहीं पर आगे, तो आगे की तरफ चलते हैं। जैसा दोस्तों सामने की तरफ चलते हैं, तो सामने यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा पंप लगा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डीजल फिलिंग स्टेशन है, ये हमारा पंप लगा हुआ है। यहाँ पे हमारी छोटी गाड़ियाँ भी हैं जो डीजल बांटती हैं, वो दो आप देख रहे हैं ना। और इसके जो राइट हैंड साइड में क्रशर के बाजू में ये जो आप यूनिट देख रहे हैं, यहाँ पर भाई टायर शॉप है अपनी। तो ये यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जो टायर वायर बनाने के लिए, पंचर वगैरह बनाने, वो सारा काम भाई यहीं पर होता है। कुछ पुरानी मशीनरी वगैरह भाई यहाँ पे बहुत सारी खड़ी है अपनी, जैसे ये वोल्वो की देख रहे हैं, और कुछ पुराने डंपर वगैरह यहाँ पे खड़े रहते हैं जो अभी रिपेयरिंग में नहीं, क्योंकि भाई काम दोस्तों मैं बताऊँ ना, एंडिंग वाला पोर्शन चल रहा है, तो मशीनरी पे इतना ध्यान भी नहीं दे रहे। जो अपनी टाटा की 370 मशीन वो खड़ी ना, वो भाई ब्रेक डाउन, उसमें 13 या 14 लाख रुपये का कुछ खर्चा है, उसका हाइड्रोलिक पम्प नया डलेगा। तो अब मान के चलो भाई 14 लाख रुपये में एक जेसीबी आ जाती सेकेंड हैंड, उसका 14 लाख रुपये में केवल वो पंप आ रहा हाइड्रोलिक। और ये एक मशीन और जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी भाई, वो ये वाली मशीन थी जो अपन ट्रांसट्रॉय के यहाँ से उठा के लाए थे, पर वो भाई जैसी की तैसी पड़ी है। थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं अभी सीधे यहाँ से दोस्तों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये जो आप यूनिट देख रहे हैं, ये हमारी लैब है, जो हमारा लैब है वो ये है सामने। और इसके इधर भी जो थोड़ा सा पोर्शन बचा है, वहाँ सामने आप जो क्वार्टर देख रहे हैं वो हमारे स्टाफ क्वार्टर है, वहाँ पे भी उसके बाद में चलेंगे। जो हमारा ऑफिस है वो भी इधर ही साइड में है, और एक ये बेसिक स्टोर है जो सीमेंट वगैरह रखने के लिए, वो भी यहीं पे है, तो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले चलते हैं सीधे आगे की तरफ। जैसा मैंने बताया ना, सामने लैब है, लैब के पास भाई एक ये आप हमेशा देखेंगे लैब के पास इस टाइप से बना रहेगा। तो ये क्यूब वगैरह रहते हैं ना जो साइड से आते हैं, वो इस टाइप से पानी के अंदर डूबे रहते हैं। अभी पीक्यूसी चल रहा है, तो पीक्यूसी में भाई इस टाइप के बीम भरे जाते हैं, तो वो भी आप देख रहे हैं ना, इनको का भाई बारी बारी टेस्ट करना पड़ता है। और जो हमारा एक और क्रशरिंग का यूनिट है वो भाई यहाँ पर है। जब भी हमें एग्रीगेट का प्रोडक्शन करना रहता है ना, तो इधर सामने यहाँ पर एग्रीगेट का प्रोडक्शन होता है, तो इसमें अलग से स्क्रीन है, और जो कौन भाई वही आ जाते हैं। अभी थोड़े से आगे और चलते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाता भाई अपना मैकेनिकल यार्ड, कुछ गाड़ियाँ वहाँ खड़ी ज़रूर रहती हैं और पंप के पास। बाकी ये जो यूनिट देख रहे हैं, ये पूरा हमारा मैकेनिकल यार्ड है। यहीं सामने ये आप देख रहे हैं ना, ये स्टोर है हमारी, वो जो आप देख रहे हैं ना डीजी के सामने स्टोर है, स्टोर के सामने भाई ये पूरा मैकेनिकल यार्ड है। यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो मेंटेनेंस के लिए आ जाती हैं और रिपेयरिंग होती रहती है। जैसे यहाँ पर एक्सकवेटर खड़े हैं और भी चीज़ें खड़ी हैं, यहाँ पर बस हमारा रिपेयरिंग चलता रहता सारी गाड़ियों का जो भी है उसका।
यहीं पे तो देखो काफ़ी मशीनरी हमारी ब्रेक डाउन खड़ी है। ब्रेक डाउन से मतलब ये है अभी जितना काम है उतनी मशीनरी चल रही है, बाकी मशीनरी तो बहुत सैकड़ों में भाई, तो अभी सारी मशीनरी नहीं चल रही हमारी जैसी हमारी पहले चलती थी। ये पुराने रोलर हुए, ये ग्रेडर के बारे में बात कर रहा था भाई, ये जो ग्रेडर देख रहा है ये कैटरपिलर का ग्रेडर है, ज़्यादा चला हुआ नहीं था ये, मुश्किल से 1000-2000 घंटे चला हुआ था। ट्रांसट्रॉय से हमने नीलामी में लिया था तो लगभग वो 36 लाख रुपये का आसपास का लिया था। इसके मेजर मेजर पार्ट खुले हुए थे तो उसका सामान भाई 25 लाख रुपये कुछ बाहर से मंगाया जरूर था, पर अभी भी भाई ये चालू नहीं कर पाए हम लोग। इसके टायर वायर पूरा ओके था, बाद में ये दूसरे हमारे पास और भी दो से तीन ग्रेडर और हैं कैट के, तो इसका सामान खोल के उसमें लग जाता है। कंपनियों में भाई यही होता है, तो ये खड़े हैं कुछ ये, और ये जो आप देख रहे हैं ना भाई ये अपना इधर की साइड में ये है अपना वो मिलर जो सुक्तवा के ब्रिज में पलट गया था। ये देखो भाई अभी वैसी की वैसी कंडीशन में खड़ा हुआ जैसे पहले था, और इवन भाई इसके अंदर कॉन्क्रीट अभी भी भरी हुई है, वो भी नहीं निकाली। जब कभी भाई इसका काम होगा ना तब मैं दिखाऊंगा इसको कॉन्क्रीट कैसे ब्रेक करेंगे। ब्रेकडाउन मशीनरी काफ़ी ज़्यादा खड़ी रहती है भाई, जो एक्सीडेंटल हो जाती है गाड़ियाँ इसको कंपनी का तुरंत में रिपेयर तो नहीं कराती, डाल भी देती हैं और कुछ ऐसे खड़ी रहती हैं। जैसे यहाँ पर एक दो गाड़ी जो ब्रेकडाउन खड़ी हुई हैं, मशीनरी ब्रेकडाउन खड़ी जाए, कुछ जो काम चलते भी रहते हैं भाई, क्योंकि कंपनी के पास भाई एक्सेस मशीनरी रहती थी जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। अभी काम थोड़ा बहुत बदला तो अभी कंपनी का क्या है मेन मोटो, जितना काम अभी चल रहा है ना उतना चलाते जा रहा है, जो मशीनरी बाद में है इन केस भाई अब दूसरा काम मिलता फिर देखना भाई इनको रिपेयरिंग कैसे की जाएगी। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम होगा, इनको रिपेयर कर करके तुरंत भेजा जाएगा जब कुछ प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाता तब। ये अपना यहाँ पर आप देख रहे ना, ये भी एक अपना पुराना लोडर था, ये भी ब्रेकडाउन ऐसे ही पड़ा हुआ है। बाकी ये इधर की साइड में ये शटरिंग हमारी जहाँ जो ब्रिजों पे जो लगती शटरिंग वगैरह वो यहाँ पे रखी रहती है, यहाँ पे पूरा ये उसी का यार्ड है जहाँ जो जो मटेरियल भेजना है वो यहीं से भेजा जाता है। अभी दोस्तों थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो ये अपना है सामने की तरफ, ये अपना कॉन्क्रीट प्लांट है, ये स्विंग स्टेटर कंपनी का जो RMC प्लांट है जो अपना वो ये सामने लगा हुआ है। जब दोस्तों यहाँ पे हम लोग कैंप की जब जगह ढूंढ रहे थे ना उस टाइम पे मैं भी था यहाँ पे, सबसे पुराना मैं ही था और हम कुछ लोग ही थे, तब ये जो पेड़ देख रहे हैं ना ये एक पेड़ हुआ एक वो सामने पेड़ हुआ, इन्हीं पेड़ों के नीचे बैठ बैठ के भाई यहाँ पे हम लोग कैंप लगा रहे थे उस टाइम पे। तब तो भाई छाँव वाँव की कोई व्यवस्था थी ही नहीं यहाँ पे। RMC प्लांट के बारे में दोस्तों मैंने पहले भी आप लोगों को काफ़ी बताया है इस प्लांट के बारे में, अगर आपको पूरा डिटेल में एक वीडियो चाहिए RMC प्लांट कैसे वर्क करता है कैसे लोडिंग होती है वगैरह वगैरह तो वो मेरे को कमेंट में बताइए तो मैं तब वीडियो बनाऊँ, तो मैं मज़ा आता है वीडियो बनाने में कि आप लोगों को चाहिए क्या है तो उस हिसाब से मज़ा आता है वीडियो बनाने में। और इसी टाइप से एक वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड उसकी रहती है भाई, ये जो ट्रांजिस्टर मिक्सर जो रहता है जो जिसको हम TM बोलते हैं मिलर बोलते हैं जो कंक्रीट लेके जाता है जो कंक्रीट वाला जो ट्रक रहता है उसका रिव्यू करने का भी बोल रहे हैं, तो वो रिव्यू भी भाई मैं तभी करूँगा जब आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे तब। तो दोस्तों ये है अपना RMC प्लांट, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ये RMC प्लांट यहाँ पे चालू है, लोडिंग चालू है भाई जो अपना सुक्तवा के ब्रिज पे भी गया था कुछ कंक्रीट यहाँ से, और बाकी का जो अभी कंक्रीट लोड हो रहा है ये माचना नदी पे जा रहा है भाई यहाँ का कंक्रीट यहाँ से। और साथ साथ में आप ये देख रहे हैं ये हैं इसके साइलो रहते हैं भाई प्लांट के, प्लांट के बारे में भाई एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करना मैं इसका भी बनाऊंगा। और ये एक नई चीज़ देख रहे होंगे भाई ये इसको खाली हो, ये बल्कर है भाई सीमेंट का बल्कर खाली हो रहा है भाई साइलो के अंदर, तो वो कैसे खाली होता है थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ये बनकर आता है ना सीमेंट का इसके अंदर ये यहाँ पे एक पंप लगा रहता है, ये पंप एयर का प्रेशर क्रिएट करता है इसके अंदर, बाकी फिर इसके अंदर से दूसरा पाइप लगा हुआ वो जाता है सीधे इसके ऊपर, ये ऊपर वहाँ पे खाली होती है इस हिसाब से खाली होता है भाई ये। इसका वीडियो कभी बनाऊंगा मैं कैसे लगाए जाते हैं कैसे इसका सेटिंग किया जाता है वगैरह वगैरह। तो भाई अभी एक और प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे अपनी साइड पे, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी एक प्लांट है भाई कंक्रीट प्लांट का, ये RMC प्लांट है, ये है CP13 इस प्लांट का नाम है, छोटा प्लांट है भाई। और ये वाला जो प्लांट है ये ऑटोमेटिक प्लांट है, इसके अंदर भाई सीमेंट वाला किस्सा था बोरियां काट काट के डालनी पड़ती तब भाई ये स्क्रू कन्वेयर से होता हुआ उसके अंदर जाता था, ये इस वाला किस्सा था। तो बस अभी जब से भाई ये वाला प्लांट चालू हो गया अपना तो बड़ा प्लांट है इसमें कोई हेडक वाली बात नहीं रहती, तो इसमें काम ज़्यादा आसान होता है, कंक्रीट भी परफेक्ट निकलती है। तो फिर ये वाला प्लांट भाई तब से बंद ही है अपना, तो अब से भाई ये वाला ही प्लांट चल रहा है अपना ये वाला। तो भाई अभी आगे की तरफ चलते हैं, जैसा दोस्तों सामने अपना RMC प्लांट है, अभी ये देख रहे हैं ना अब ये बल्कर आ रहे हैं बड़े बड़े, तो ये हैं सीमेंट के बल्कर हैं, ये सीमेंट इस टाइप से आती है भाई, बल्क में सीमेंट आती है भाई इस टाइप के प्लांटों में, क्योंकि यहाँ बोरियों वाला किस्सा बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि बोरियों से कब तक खाली करेंगे पागल हो जाएंगे, तो इस टाइप से जो बल्कर आते हैं ना बड़े बड़े ये ही खाली होते रहते हैं, एक खाली हो गया उसके बाद दूसरा लगा दूसरा खाली हो गया तीसरा, अभी देखना तीन बल्कर आए इकट्ठे, एक खाली हो रहा है दो ये भरे आ गए इकट्ठे। RMC प्लांट के बाजू से दोस्तों थोड़ा सा एक रास्ता गया है अपना हॉट मिक्स प्लांट की तरफ, ये रास्ता जाता है ना ये सीधे गया हॉट मिक्स प्लांट पे,
अभी मैं हॉट मिक्स प्लांट और दिखाता हूँ आपको। अभी दोस्तों ये जो आप यूनिट देख रहे हैं ना, जैसे अपना ये हॉट मिक्स प्लांट के पास पहुँचा हूँ, तो ये आप जो एक यूनिट देख रहे हैं, ये भी एक आरएमसी प्लांट है हमारा। तो ये जो आरएमसी प्लांट है, ये मोबाइल प्लांट है, तो इसको मोबाइल कंक्रीट प्लांट बोलते हैं। और ये जो प्लांट है, ये छोटा प्लांट है, CP18 इसका मॉडल नंबर है। तो ये जो प्लांट रहता ना, ये कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, इसको असेंबल करके आप तुरंत चालू कर सकते हैं काम। बट इसमें किस्सा वो रहेगा, सीमेंट जो इसमें डलती है, स्क्रू कन्वेयर रहेगा पर हाथ से डलती, सीमेंट बैग इसमें बैगों के थ्रू डलता है, या फिर आप साइलो नहीं लगा सकते ना हर जगह। तो ये वाला छोटा प्लांट है, छोटे मोटे काम का कहीं रहेगा जरूरत, तो उसमें भाई ये वाला प्लांट बहुत अच्छा काम करता है। स्टार्टिंग जब हमारी हुई थी, जब हमारे बड़े प्लांट नहीं लग पाए थे ना, तो हम लोगों ने इसी प्लांट को चालू करके कॉन्क्रीट चालू की थी। क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब हम लेके आए थे, तो हमें छोटे छोटे बॉक्स कलवर्ट चालू किए थे हम लोगों ने, पाइप कलवर्ट चालू किए, छोटा मोटा जो कंक्रीट था वो जब चालू किया था, तो हमने इसी प्लांट से चालू किया था। बाद में जब हमारे बड़े बड़े प्लांट लग गए, जब जब CP13 लग गया था, CP30 लग गया था, उसके बाद M1 लगा था, M2.5 भी प्लांट था भाई, बड़ा प्लांट भी था हमारे पास, बाद में वो इस साइड से दूसरी साइड पर चला गया, तब भाई ये वाले प्लांट हमारे खुल गए। साथ में भाई ये जो प्लांट देख रहे ना, ये है भाई अपना प्लांट, ये लिनोव का जो हॉट मिक्स प्लांट बोलेंगे या फिर बैच मिक्स प्लांट बोलते, क्योंकि जो प्लांट भाई जिसमें ड्रम रहता ना, जिसमें ड्रायल के अंदर, ड्रम के अंदर ही भाई आपका बिटुमिन मिक्स हो जाता है, तो उसको ड्रम मिक्स बोलते हैं। पर इसमें भाई ऐसा नहीं, इसके अंदर भाई ड्रायल ऊपर रहता है, उसमें हॉट बिन रहता, हॉट बिन के बाद फिर या नीचे जब आती मिक्सर के अंदर, तब भाई डामर मिक्स होता ना, तो उस टाइप के प्लांट को भाई बैच मिक्स प्लांट बोलते हैं, क्योंकि बैच के हिसाब से काम करता है, 1200 केजी का एक बैच बनाता है, इसकी कैपेसिटी है। तो ये वो वाला प्लांट है यहाँ पर सबसे लास्ट में लगा हुआ, ये वाला प्लांट। तो ये का इस जब भी डामर प्लांट लगता है, उसके आसपास का एरिया बहुत रहता है, क्योंकि उसमें मटेरियल को स्टॉक करने की जगह बहुत सारी चीज़, जैसे आप भी देख रहे हैं 20 mm पड़ी है, सामने 10 mm पड़ी है, और भी डस्ट वगैरह पड़ी है। तो ये हमारा प्लांट है, और इसमें भाई प्लांट पर थोड़ा सा आपको मैं बेसिक डिटेल दे देता हूँ। ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा हमारा बॉयलर वाली यूनिट है, डामर को गर्म करना, जब डामर जैसे आ जाता है तो उसको गर्म कैसे किया जाता है, FO जो आता था फर्नेस ऑयल को गर्म कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहीं से ऑपरेट की जाती है। ये जो आप यूनिट दे रहे हैं, ये यहाँ पे गर्म करने का, और पीछे के साइड में इसके हॉपर रहते हैं, ये सामने आप देख रहे हैं केबिन है, केबिन के अंदर से भाई इसको ऑपरेट किया जाता है। जैसे दोस्तों ये अपना जो हॉट मिक्स प्लांट है, ये पीछे की साइड में लगा हुआ है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में, जैसे ये टैंक वैंक है यहाँ, तो प्लांट का हो गया, इसके जस्ट अपोजिट साइड में ये जो जगह देख रहे हैं ना भाई, इस जगह पे भाई ये है अपना जो प्राइमर जो बनाते हैं, जो अपन विटामिन के लिए प्राइमर, जो SS1 होता है, RS1 होता है, रैपिड सेटिंग वाला होता है, जो स्लो सेटिंग वाला होता है, जो टैक कोट बोलते हैं, जो प्राइम कोट बोलते हैं, वो भाई यूनिट यहाँ पे लगी हुई है। तो इस जगह पे हम लोग बनाते हैं अपना टैक कोट और प्राइम कोट। और इसमें एक चीज़ खासियत, इसमें क्या रहता कुछ नहीं भाई, इसके अंदर ना ये जो यूनिट देख रहे हैं, ये वाटर, ये अपना जो टैंक है बिटुमिन का टैंक है, और ये स्टोरेज टैंक है इसका, और बाकी भाई केमिकल से भाई बिटुमिन को थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स किया जाता है, ये वाला प्रोसेस रहता है, तो वो यहाँ पे चलता है, इसका बॉयलर वगैरह रहता है। इसका वीडियो मैंने एक बनाया है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, तो वहाँ पे, और ये चलता है, जब ये चलेगा नेक्स्ट टाइम तब भाई इसका वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा मैं। और साथ में भाई यहाँ पे ही भाई अपना एक और प्लांट है, वो ये है WMM का प्लांट। ये जो यूनिट देख रहे हैं ना भाई, ये WMM प्लांट है अपना, सामने इसका हॉपर लगा हुआ है, यहाँ पे मिक्स होता है, यहाँ पे वाटर टैंक है इसका, उसी के साथ नीचे इसकी गाड़ियाँ लग के भाई यहाँ पे लोडिंग होती है। ये WMM प्लांट भी यहीं पे है, तो बाकी सारे प्लांट भाई यहीं पे है। तो अभी प्लांट वगैरह जो जैसा था वो मैंने पूरा दिखाने के बाद, अभी मैं जो हमारे वर्कर के रहने के लिए जो जगह है वो दिखाता हूँ आपको। ये जो यूनिट देख रहे ना भाई, ये हमारा एक रहने का है, यहाँ पर मैक्सिमम और स्टाफ ही वगैरह रहते हैं, स्टाफ में जैसे अपने ऑपरेटर वगैरह आ गए, कुछ वो हुए, कुछ ड्राइवर्स लोग आ गए, कुछ यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जब काम चालू करने के लिए जब हमने रूम बनाए थे, कुछ इस टाइप से बनाए थे, बाकी कुछ अलग से रूम भी बनाए थे, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के। तो दोस्तों इधर की तरफ आप देख रहे हैं ना, ये है अपना वेल्डिंग शॉप बोलते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, ये सामने आप देख रहे हैं वेल्डिंग शॉप है हमारी यहाँ पे, और ये हमारा स्टोरेज है, स्टोर रूम टाइप के हैं यहाँ पे, जो आपके सीमेंट के बैग, जो आपका थर्मोप्लास्ट हुआ है, उस टाइप का जो भी एक्सपांशन जॉइंट हुए हैं, ये चीज़ें वगैरह वगैरह यहाँ पे रखी होती हैं। और जो हमारी ऑफिस है वो दोस्तों ये है, जो हमारी कैंप की जो ऑफिस है वो सारा यहीं से मैनेज होता है, ये सारा यहीं पे है, ये हमारी ऑफिस है, अंदर नहीं दिखाऊंगा भाई मैं आपको। और ये तो आपको लैब है, लैब के पीछे वाला हिस्सा ये लैब है, सामने वो स्टोर रूम है हमारा। और आगे की तरफ चले जाएँ तो ये जो आप कॉलोनी देख रहे हैं ना, ये हमारे रहने के, स्टाफ के रहने के लिए जो क्वार्टर हैं वो हैं ये।
ये वेल्डिंग शॉप में दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कितने सारे एक्सकेवेटर के बकेट ही बकेट रखे हैं, सारे रिपेयरिंग होते रहते हैं क्योंकि टूटते रहते हैं और रिपेयरिंग होते रहते हैं, चलते रहते हैं। देखो बकेट ही बकेट पड़े हुए हैं यहाँ पे। सामने तरफ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा स्टाफ क्वार्टर है। ये अपनी कर्म मशीन यहीं पे खड़ी है भाई, अभी काम नहीं जब तक इसका। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये हमारी कंपनी के, ये एक ब्लॉक यहाँ पे है, एक ब्लॉक इसके पीछे भी है। इसके पीछे की साइड में दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये भी हमारा कैंप ही है, कैंप के स्टाफ क्वार्टर हैं सारे। और यहाँ पे दोस्तों, हमारे कैंप में एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे इंजीनियरिंग ब्लॉक नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंजीनियर्स वगैरह रहते नहीं है। मैक्सिमम जो सुपरवाइज़र कुछ लोग होंगे, बाकी ऑपरेटर ही ऑपरेटर रहते हैं। बाकी लोग क्या, लोकल में रूम रेंट देती कंपनी प्रोवाइड करती है, तो लोग वहाँ पर रह लेते हैं। तो कुछ यहाँ पर इस टाइप से दिया हुआ है। अच्छी बात यह है, बहुत सारी कंपनियाँ भाई टीन शेड का बना देती हैं, तो टीन शेड और पतरे का बना देती, वो पतरे वतरे वाला काम नहीं है। हमारे यहाँ पर कुछ इस टाइप का बना हुआ है, पक्का है, ऊपर से शेड दिया है और अंदर से इसमें एक वो दिया है, वो थर्माकोल का वो देते जिससे हीट प्रोवाइड ना हो ज़्यादा, वो चीज़ दी हुई है। ये दोस्तों है अपना पूरा मैकेनिकल यार्ड, ये सामने आप देख रहे हैं, ये हमारा मैकेनिकल यार्ड का स्टोर है और इसी में चलता भाई यहाँ गाड़ियों का काम। गाड़ियाँ देखो कितनी सारी खड़ी हैं, आपको लग रहा ना, मैक्सिमम गाड़ियाँ भाई यहीं खड़ी हैं, अभी ज़्यादातर गाड़ियाँ ब्रेक डाउन ही हैं यहाँ पे, और भी देख रहे हैं ना आप ये। और इसके पीछे फिर एक और स्टाफ क्वार्टर और भी है, और भी लोग रहते हैं यहाँ पे, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। ये भाई मैन कंपनी की गाड़ियाँ भाई, इन गाड़ियों का भाई सामान नहीं मिलता इसलिए ये खड़ी हैं भाई, कुछ ठीक ठाक हैं कुछ। इनके क्या, ड्राइवर भी हर कोई इनको चलाना पसंद नहीं करता, ज़्यादातर ड्राइवर भाई लीलैंड को चलाना प्रेफर ज़्यादा करता है, और आप बोलते ना उसको आपका टाटा को, इन गाड़ियों को चलाने वाले बहुत कम है। चलती बहुत प्यारी मारुति की जैसे चलती हैं भाई ये वाली गाड़ियाँ भी। और भी देखो ये कितनी सारी गाड़ियाँ और भी खड़ी हैं, ये भी सब टाटा, ये अपना बूम प्लेसर बोलते हैं भाई, इसको बूम पंप भी बोलते हैं, ये भी खड़ा है अभी, काम नहीं है तो इसलिए। बाकी यहाँ पे पूरा शटरिंग यार्ड वगैरह, ये पूरा अपना ये मैकेनिकल यार्ड ही भाई यहाँ पे। हमारे कैंप में भाई मैक्सिमम गाड़ियाँ अभी ब्रेक डाउन टाइप में खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ जितनी ज़रूरत है साइड पर उतनी चल रही हैं, बाकी गाड़ियाँ ब्रेक डाउन में कोई हाथ भी नहीं लगा रहा। वो क्या होता भाई, ये तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जब भी किसी कंपनी को नया काम मिलता ना, वैसे ही फिर गाड़ियों की रिपेयरिंग मेंटेनेंस चालू होता है, फिर ये तैयार हो के भाई दूसरी साइड पे जाएंगे। तो वही किस्सा रहेगा भाई इनके साथ, जैसे दूसरा काम मिलेगा वैसे ही भाई इनको रिपेयरिंग कर करके ये दूसरी साइडों पे भेजना स्टार्ट हो जाएंगी। एक शेड दोस्तों ये भी है, ये बड़े टाइप के रूम है, यहाँ पर भी दिए हुए अपने काफ़ी स्टाफ वगैरह यहाँ पर भी रहता है, दोनों साइड, एक दरवाजे इधर भी हैं बाकी उधर के साइड में भी है, दोनों साइड में भी रहते हैं भाई। तो इस टाइप का भाई हमारा कैंप है, छोटा सा ही कैंप है, ज़्यादा बड़ा नहीं। पहले हमारे यहाँ पे भाई दो कैंप थे, एक था ऊपर यहाँ पे पाडर के आसपास, जहाँ पाडर बाईपास के आसपास था, थोड़े से आगे आठवां मील जगह पे, तो एक ये था, दो कैंप थे। तभी ऊपर का काम भाई हमारा ख़त्म हो गया, तो अभी भाई जगह ये वाला जो दिख रहा ना, बस यहीं पे कैंप है अभी, और अभी काम थोड़ा सा ही बचा हुआ, मैक्सिमम स्टाफ अभी है नहीं, तो थोड़े से स्टाफ में भाई हमारा काम अभी चल रहा है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में कवर किया अपना कैंप, कैंप हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं भाई, छोटा ही है। पहले दो कैंप थे तो आधा आधा स्टाफ डिवाइडेड था, और मैक्सिमम स्टाफ दोस्तों क्या है, हमारे यहाँ लोकल का है, लोकल का मतलब ड्राइवर हुए, कुछ ऑपरेटर्स हुए, ये लोकल से आते हैं, तो वो अपने घरों से आते हैं, तो कैंप में ज़्यादा जो रूम्स जो बनाए जाते हैं इतने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हम लोगों को, तो इसीलिए भाई अपना काम थोड़ा छोटे कैंप में ही चल जाता है। वैसे भी ये लगभग मान के चलो आप 12-13 एकड़ में है अभी भी, ये तो 12-13 एकड़ के हिसाब से भाई काफ़ी बड़ा कैंप है वो नॉर्मल। अभी काम भी भाई ज़्यादा बचा हुआ नहीं है अपने पास, 5-6 किलोमीटर का ही काम बचा हुआ है। तो भाई आज की वीडियो में मैंने कवर किया अपना कैंप, कैंप जब बन रहा था उस टाइम पे जब बना था वीडियो तो बहुत अच्छा था, अभी तो भाई एंड हो गया, तो अभी तो ऐसा तितर बितर ही दिखेगा आपको। तो होप दोस्तों आज के ब्लॉग में मैंने सब कुछ कवर किया अपने कैंप के बारे में। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।